हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है वीरा सिम्हा रेड्डी। तो वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म का जो तेलुगु और हिंदी वर्जन है वो कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म, कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा, उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस, कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी जाएगी। फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूँ। साथ ही मैं फिल्म से जुड़े छोटे मोटे सभी अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा इस फिल्म के जो कहानी है उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई थी उसके ऊपर बातचीत करेंगे। साथ ही में इस फिल्म के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक डीप में जानकारी मिलने वाली है। साथ ही में फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीरा सिम्हा रेड्डी जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है, एक संक्रांति रिलीज थी जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धूम मचाई थी। इस फिल्म ने करीबन तीन बड़ी ऐसी फिल्मों के साथ क्लेश किया हुआ था जो बड़े सुपरस्टार की फिल्म थी, उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म का जोनर और फिल्म की ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट की हुई थी। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यज्ञनेनी और वाई रवि शंकर ने, जिन्होंने फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर के वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट की देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफी लंबी बनाई गई है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में एसएस थमन ने बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर, तो नंदमुरी बालाकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ है। एक तो है पुलिचेरला वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी। तो ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईशा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने भानुवती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है। हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम अरुगो प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिदप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। बी एस अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था, प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। पी रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था। ईश्वरी राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है। राम योगी शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में। वहीं पहले ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी, जहाँ पे वर्किंग टाइटल NBK 107 रखा गया था। NBK का मतलब है नंदमुरी बालाकृष्णन, 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म है। इस वजह से NBK 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालाकृष्णन है। वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था।
वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिरसिला में, और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे वीरा सीमा रेड्डी नाम दिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है, जहाँ पे इस फिल्म के गानों को एस एस थमन ने कंपोज किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है, ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बाले या मास एंथम करीमुल्ला। तो उस गाने को 26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी, उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। उसको राम मेरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था, उसको 24 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहिती जगती और यामिनी और येनु गोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास मोगरू करके जो गाना था वो मनु और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था, उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने, उसके सभी के लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले करे बाला कृष्णा, जो अपनी माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी, जो रोल प्ले कर रही हनी रोज जो इस्तानबुल में, और इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले करे श्रुति हसन, जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, और वो रायल सीमा में रह रहे पुलिचरला में वहाँ पे रूल कर रहे हैं भानुमति यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय। वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से, तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं, ये भानुमति कौन है, वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है, ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी, उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालाकृष्णन, वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनका स्वैग स्टाइल वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका एग्रेसिव नेचर, एक्शन सीक्वेंस पर जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है, इस बार तो उन्होंने डांस में भी काफी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म में हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है। वो इन सभी चीज़ों के अलावा इमोशनल सेंस में भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पे परफॉर्मेंस दी हुई है, जो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पे के भानुमति के रोल में उन्होंने काफ़ी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीज़ें काफ़ी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। उसमें काम उनका काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफ़ी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज़्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता। फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉपअप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफ़ी अच्छा खासा काम किया जा सकता था। इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफ़ी बड़ा बड़ा कर सकते थे। ओवरऑल इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीज़ों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बाला कृष्ण ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया है वो बढ़िया नज़र आ रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहाँ पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है, एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है,
अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बॉदर नहीं करती है तो बालाकृष्णन की ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो, या तो आप बालाकृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मजा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर। तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज किया गया था। जहाँ पर फिल्म को जब रिलीज किया गया तब पहले दिन काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना वो सभी चीज़ें बड़ी बात थी। जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म ने करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। और नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की सबसे ज़्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर भी ले आई थी, वारिसू थी और रत्थुनी वो थी। तो ये टोटल तीन बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने यूएस डॉलर 7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन यूएस से किया हुआ था, तो वहाँ पे भी अच्छा का डंका बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफ़ी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था। IMDb पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगु सभी वर्जन के जो OTT सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए। तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म और स्टार गोल HD जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स ही 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे। तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म अगर आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में देखना चाहते हो तो सेम नाम के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो टेलीविजन चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ देख सकते हो। तो इस तरह से वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे। वीरा सिम्हा रेड्डी जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। एक संक्रांति रिलीज थी जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धूम मचाई थी। इस फिल्म ने करीबन तीन बड़ी ऐसी फिल्मों के साथ क्लेश किया हुआ था जो बड़े सुपरस्टार की फिल्म थी, उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म का जोनर और फिल्म की ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट की हुई थी। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यरनेनी और वाई रवि शंकर ने, जिन्होंने फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट के देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफी लंबी बनाई गई है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में SS थमन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर, तो नंदमुरी बालाकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ है। एक तो है पुलिचेरला वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी।
ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईसा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने भानुवती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है। हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम अरुगो प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिदप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। बी एस अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था, प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। पी रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था। ईश्वरी राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है। राम योगी शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में। वहीं पहले ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी, जहां पे वर्किंग टाइटल NBK 107 रखा गया था। NBK का मतलब है नंदमुरी बालाकृष्णन, 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म। इस वजह से NBK 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को स्टार्ट किया गया था, जहां पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालाकृष्णन है। वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिरसिला में, और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम दिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है, जहाँ पे इस फिल्म के गानों को SS थमन ने कंपोज किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बालैया मास एंथम करीमुल्ला। तो उस गाने को 26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। उसको राम मिरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था उसको 24 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहित्य जगती और यामिनी और येनु गोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास मोगड़ू करके जो गाना था वो मनो और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था। उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने, उसके सभी के लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले कर रहे बाला कृष्णा, जो अपने माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी, जो रोल प्ले कर रही हनी रोज जो इस्तानबुल में, और इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले कर रहे श्रुति हसन, जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, और वो रायल सीमा में रह रहे पुलिचरला में वहाँ पे रोल कर रहे हैं। भानुमती यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय, वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से। तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं, ये भानुमती कौन है, वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है, ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी, उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालाकृष्णन, वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनका स्वैग स्टाइल,
वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका एग्रेसिव नेचर, एक्शन सीक्वेंस, जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है। इस बार तो उन्होंने डांस में भी काफी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म में हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है। वो इन सभी चीजों के अलावा इमोशनल सीन्स में भी काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पे परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पे के भानुमति के रोल में उन्होंने काफी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीजें काफी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। उसमें काम उनका काफी शानदार नजर आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता। फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉप अप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफी अच्छा खासा काम किया जा सकता था। इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफी बड़ा बड़ा कर सकते थे। ओवरऑल इस फिल्म में कुछ ऐसी चीजें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीजों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बाला कृष्ण ने जिस तरह से चीजों को हैंडल किया हुआ है वो बढ़िया नजर आ रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहाँ पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है, एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बोधर नहीं करती है, तो बाला कृष्णन की ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो, या तो आप बाला कृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मजा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर। तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज किया गया था। जहाँ फिल्म को जब रिलीज किया गया तब पहले दिन काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना, वो सभी चीजें बड़ी बात थी। जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म ने करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। और नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर भी ले आई थी, वारिसु थी और रथुनी वो थी, तो ये टोटल तीन बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने यूएस डॉलर 7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन यूएस से किया हुआ था, तो वहाँ पे भी अच्छा डंका बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था। आईएमडी पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगु सभी वर्जन के जो ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए। तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म और स्टार गोल एचडी जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स ही 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे। तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। तो
तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म अगर आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में देखना चाहते हो तो सेम नाम के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो टेलीविजन चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ देख सकते हो। तो इस तरह से वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। वीरा सिम्हा रेड्डी जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। एक संक्रांति रिलीज थी जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धूम मचाई थी। इस फिल्म ने करीबन 3 बड़ी ऐसी फिल्मों के साथ क्लेश किया हुआ था जो बड़े सुपरस्टार की फिल्म थी, उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म का जोनर और फिल्म की ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट की हुई थी। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यज्ञनी और वाई रविशंकर ने, जिन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट की देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफी लंबी बनाई गई है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर, तो नंदमुरी बालाकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ है। एक तो है पुलिचेरला वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी। तो ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईशा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने भानुवती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है। हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम अरुगो प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिदप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। पी एस अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था, प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। पी रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था। ईश्वरी राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है। राम योगी शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में। वहीं पहली ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी, जहां पे वर्किंग टाइटल NBK 107 रखा गया था। NBK का मतलब है नंदमुरी बालाकृष्णन, 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म है। इस वजह से NBK 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालाकृष्णन है। वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिरसिला में, और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम दिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है, जहाँ पे इस फिल्म के गानों को एस एस थमन ने कंपोज किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बाले या मास एंथम करीमुल्ला। तो उस गाने को
26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। उसको राम मिरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था उसको 24 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहित्य जगती और यामिनी और येनु गोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास समुगुड़ करके जो गाना था वो मनो और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था। उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने, उसके सभी के लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले कर रहे बाला कृष्णा, जो अपने माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी, जो रोल प्ले कर रही हनी रोज जो इस्तानबुल में, और इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले करे श्रुति हसन, जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, और वो रायल सीमा में रह रहे पुलिचरला में वहाँ पे रोल कर रहे हैं भानुमती यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय। वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से, तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं, ये भानुमती कौन है, वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है, ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी, उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालाकृष्णन, वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनका स्वैग स्टाइल वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका एग्रेसिव नेचर, एक्शन सीक्वेंस, जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है इस बार, तो उन्होंने डांस में भी काफी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म में हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है। वो इन सभी चीजों के अलावा इमोशनल सीन्स में भी काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे, तो इस तरह से उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पैक परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पे किए भानुमती के रोल में उन्होंने काफी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीजें काफी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, उसमें काम उनका काफी शानदार नजर आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता। फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉप अप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफी अच्छा खासा काम किया जा सकता था। इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफी बड़ा बड़ा कर सकते थे। ओवरऑल इस फिल्म में कुछ ऐसी चीजें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीजों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बाला कृष्ण ने जिस तरह से चीजों को हैंडल किया हुआ है वो बढ़िया नजर आ रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहाँ पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है, एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बोधर नहीं करती है, तो बाला कृष्णन की ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो, या तो आप बाला कृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मजा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर। तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज किया गया था। जहाँ पर फिल्म को जब रिलीज किया गया तब पहले दिन काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना, वो सभी चीजें बड़ी बात थी।
जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म ने करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रोस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था और नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर भी ले आई थी, वारिसु थी और रत्थुनी वो थी, तो ये टोटल तीन बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने यूएस डॉलर 7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन यूएस से किया हुआ था, तो वहाँ पे भी अच्छा डंका बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफ़ी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था। IMDb पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगू सभी वर्जन के जो OTT सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए। तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म और स्टार गोल एचडी जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स ही 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे। तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म अगर आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में देखना चाहते हो तो सेम नाम के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो टेलीविजन चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ देख सकते हो। तो इस तरह से वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। वीरा सिम्हा रेड्डी जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है, ये एक संक्रांति रिलीज थी जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धूम मचाई थी। इस फिल्म ने करीबन तीन बड़ी ऐसी फिल्मों के साथ क्लेस किया हुआ था जो बड़े सुपरस्टार की फिल्म थी, उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म का जोनर और फिल्म की ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट की हुई थी। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यरनेनी और वाई रविशंकर ने, जिन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट की देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफी लंबी बनाई गई है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में SS थमन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर, तो नंदमुरी बालाकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ है, एक तो है पुली चेरला विलास वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी। तो ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईशा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने भानुवती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है। हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम अरुगो प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिद्धप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। BS अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था, प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। P. रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है।
अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था, ऐश्वर्या राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है, अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है, चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है, राम योगी शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है, ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में, वहीं पहले ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी, जहां पे वर्किंग टाइटल NBK 107 रखा गया था। NBK का मतलब है नंदमुरी बालकृष्णन, 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म है। इस वजह से NBK 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालकृष्णन है, वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिरसिला में, और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम दिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है, जहाँ पे इस फिल्म के गानों को एस एस थमन ने कंपोज किया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बाले या मास एंथम करीमुल्ला, तो उस गाने को 26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी, उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था, उसको राम मेरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था उसको 24 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहित्य जगती और यामिनी और येनु गोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास मोगड़ू करके जो गाना था वो मनो और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था, उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने, उसके सभी के लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले करे बाला कृष्णा, जो अपने माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी, जो रोल प्ले कर रही हनी रोज जो इस्तानबुल में, और इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले करे श्रुति हसन, जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, और वो रायलसीमा में रह रहे पुलिचरला में वहाँ पे रोल कर रहे हैं भानुमती यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय। वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से, तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं, ये भानुमती कौन है, वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है, ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी, उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालकृष्णन, वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनका स्वैग स्टाइल वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका एग्रेसिव नेचर, एक्शन सीक्वेंस जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है, इस बार तो उन्होंने डांस में भी काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म एक हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है। वो इन सभी चीज़ों के अलावा इमोशनल सीन्स में भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे थे, तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पैक परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पे के लिए भानुमती के रोल में उन्होंने काफ़ी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीज़ें काफ़ी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, उसमें काम उनका काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने
सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफ़ी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज़्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता। फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉपअप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफ़ी अच्छा खासा काम किया जा सकता था। इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफ़ी बड़ा बड़ा कर सकते थे। ओवरऑल इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीज़ों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बाला कृष्ण ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है वो बढ़िया नज़र आ रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहाँ पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है, एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बॉदर नहीं करती है, तो बालाकृष्णन की ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो, या तो आप बालाकृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मज़ा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर। तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज़ किया गया था। जहाँ फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब पहले दिन काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना, वो सभी चीज़ें बड़ी बात थी। जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म ने करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, और नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की सबसे ज़्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर भी ले आई थी, वारिसू थी और रत्थुनी वो थी, तो ये टोटल तीन बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने $7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन यूएस से किया हुआ था, तो वहाँ पर भी अच्छा का डंका बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफ़ी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था। IMDb पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगु सभी वर्जन के जो OTT सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए। तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म और स्टार गोल एचडी जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार माँ के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स ही 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे। तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म अगर आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में देखना चाहते हो तो सेम नाम के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो टेलीविजन चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ देख सकते हो। तो इस तरह से वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। वीरा सिम्हा रेड्डी जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। ये एक संक्रांति रिलीज थी जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धूम मचाई थी। इस फिल्म ने करीबन तीन बड़ी ऐसी फिल्मों के साथ क्लेश किया हुआ था जो बड़े सुपरस्टार की फिल्म थी, उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म का जोनर और फिल्म की ऑडियंस काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट की हुई थी। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने
परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यज्ञनी और वाई रवि शंकर ने, जिन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट की देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफी लंबी बनाई गई है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में एसएस थमन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर, तो नंदमुरी बालाकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ है। एक तो है पुलिचेरला विलास वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी। तो ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईशा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने भानुवती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है। हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम अरुगो प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिद्धप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। बी एस अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था, प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। पी रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था। ईश्वरी राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है। रामजोगी शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में। वहीं पहले ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी, जहां पे वर्किंग टाइटल NBK 107 रखा गया था। NBK का मतलब है नंदमुरी बालाकृष्णन, 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म है। इस वजह से NBK 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालाकृष्णन है। वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिलसिला में, और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम दिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है, जहाँ पे इस फिल्म के गानों को एसएस थमन ने कंपोज किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बाले या मास एंथम करीमुल्ला, तो उस गाने को 26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी, उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। उसको राम मेरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था उसको 24 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहित्य जगती और यामिनी और येनु गोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास मोगड़ू करके जो गाना था वो मनो और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था, उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने, उसके सभी के लिरिक्स रामजोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले करे बाला कृष्णा, जो अपने माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी, जो रोल प्ले कर रही हनी रोज जो इस्तानबुल में, और
इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले करे श्रुति हसन, जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, और वो रहल सीमा में रह रहे पुलिचरला में वहाँ पे रोल कर रहे हैं भानुमति यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय। वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से, तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं, ये भानुमति कौन है, वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है, ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी, उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालाकृष्णन, वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनका स्वैग, स्टाइल, वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका एग्रेसिव नेचर, एक्शन सीक्वेंस, जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है, इस बार तो उन्होंने डांस में भी काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म में हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है। वो इन सभी चीज़ों के अलावा इमोशनल सीन्स में भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे थे, तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पैक परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पे के भानुमति के रोल में उन्होंने काफ़ी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीज़ें काफ़ी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, उसमें काम उनका काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफ़ी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज़्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता, फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉप अप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफ़ी अच्छा खासा काम किया जा सकता था। इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफ़ी बड़ा बड़ा कर सकते थे। ओवरऑल इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीज़ों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बालाकृष्णन ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है वो बढ़िया नज़र आ रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहाँ पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है, एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बोधर नहीं करती है, तो बालाकृष्णन की ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो, या तो आप बालाकृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो, तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मज़ा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर। तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज़ किया गया था। जहाँ फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब पहले दिन काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना, वो सभी चीज़ें बड़ी बात थी। जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म में करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, और नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की सबसे ज़्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर भी ले आई थी, वारिसू थी और तुनी वो थी, तो ये टोटल 3 बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने $ 7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन यूएस से किया हुआ था, तो वहाँ पे भी अच्छा गार्डन का बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफ़ी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है, और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था। IMDb पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था।
अभी फिल्म कौन से ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें। तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगु सभी वर्जन के जो ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए। तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म और स्टार गो ले चली जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार माँ के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे। तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म अगर आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में देखना चाहते हो तो सेम नाम के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो टेलीविजन चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वहां पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ देख सकते हो। तो इस तरह से वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। वीरा सिम्हा रेड्डी जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। एक संक्रांति रिलीज थी जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धूम मचाई थी। इस फिल्म ने करीबन 3 बड़ी ऐसी फिल्मों के साथ क्लेश किया हुआ था जो बड़े सुपरस्टार की फिल्म थी, उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म का जोनर और फिल्म की ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट की हुई थी। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यज्ञनेनी और वाई रवि शंकर ने, जिन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर के वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट की देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफी लंबी बनाई गई है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में एसएस थमन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर, तो नंदमुरी बालाकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ है। एक तो है पुलिचेरला वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी। तो ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईशा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने भानुवती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है। हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम अरुगो प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिद्धप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। बी एस अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था, प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। पी रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था। ईश्वरी राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है। राम योगी शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में। वहीं पहले ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी, जहाँ पे वर्किंग टाइटल NBK 107 रखा गया था। NBK का मतलब है नंदमुरी बालाकृष्णन, 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म है। इस वजह से NBK 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को
स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालाकृष्णा ने, वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिरसिला में, और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम दिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है, जहाँ पे इस फिल्म के गानों को एसएस थमन ने कंपोज किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है, ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बाले या मास एंथम करीमुल्ला, तो उस गाने को 26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी, उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। उसको राम मिरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था उसको 24 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहित्य जगती और यामिनी और येनु गोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास मोगड़ू करके जो गाना था वो मनो और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था, उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने, उसके सभी के लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले कर रहे बाला कृष्णा, जो अपने माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी, जो रोल प्ले कर रही हनी रोज जो इस्तानबुल में, और इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले कर रहे श्रुति हसन, जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, और वो रायल सीमा में रह रहे पुलिचरला में वहाँ पे रूल कर रहे हैं भानुमति यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय। वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से, तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं, ये भानुमति कौन है, वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है, ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी शेयर की हुई है। श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी, उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी शेयर की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालाकृष्णन, वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनका स्वैग स्टाइल वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका एग्रेसिव नेचर, एक्शन सीक्वेंस जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है, इस बार तो उन्होंने डांस में भी काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म में हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है। वो इन सभी चीज़ों के अलावा इमोशनल सेंस में भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे थे, तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पैक परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पे के भानुमति के रोल में उन्होंने काफ़ी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीज़ें काफ़ी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, उसमें काम उनका काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफ़ी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज़्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता। फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉपअप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफ़ी अच्छा खासा काम किया जा सकता था। इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफ़ी बड़ा कर सकते थे। ओवरऑल इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीज़ों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बालाकृष्णा ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है वो बढ़िया नज़र आ रहा था।
इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहाँ पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है, एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बोधर नहीं करती है, तो बालाकृष्णन की ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो, या तो आप बालाकृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मजा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर। तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज किया गया था। जहाँ पर फिल्म को जब रिलीज किया गया तब पहले दिन काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना, वो सभी चीज़ें बड़ी बात थी। जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म ने करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। और नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की सबसे ज़्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर भी ले आई थी, वारिसु थी और रत्तुनी वो थी, तो ये टोटल तीन बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने यूएस डॉलर 7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन यूएस से किया हुआ था, तो वहाँ पे भी अच्छा का डंका बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफ़ी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था। आईएमडीबी पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगु सभी वर्जन के जो OTT सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए। तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म और स्टार गोल HD जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स ही 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे। तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म अगर आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में देखना चाहते हो तो सेम नाम के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो टेलीविजन चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ देख सकते हो। तो इस तरह से वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे। वीरा सिम्हा रेड्डी जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। एक संक्रांति रिलीज थी जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी धूम मचाई थी। इस फिल्म ने करीबन तीन बड़ी ऐसी फिल्मों के साथ क्लेश किया हुआ था जो बड़े सुपरस्टार की फिल्म थी, उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म का जोनर और फिल्म की ऑडियंस काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट की हुई थी। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यरनेनी और वाई रवि शंकर ने, जिन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट की देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफ़ी लंबी बनाई गई है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था।
अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर। तो नंदमुरी बालाकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ, एक तो है पुलिचेरला विलास वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी। तो ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईसा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने भानुवती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है। हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम अरुगो प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिद्धप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। पी एस अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था, प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। पी रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था। ईश्वरी राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है। राम योगिया शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में। वहीं पहले ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी, जहां पे वर्किंग टाइटल NBK 107 रखा गया था। NBK का मतलब है नंदमुरी बालाकृष्णन, 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म है। इस वजह से NBK 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालाकृष्णन है। वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिरसिला में, और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम दिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है, जहाँ पे इस फिल्म के गानों को एस एस थमन ने कंपोज किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बालैया मास एंथम करीमुल्ला। तो उस गाने को 26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी, उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। उसको राम मिरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था उसको 24 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहित्य जगती और यामिनी और येनुगोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास मोगड़ू करके जो गाना था वो मनो और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था। उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने, उसके सभी के लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले कर रहे बाला कृष्णा, जो अपने माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी जो रोल प्ले कर रही हनी रोज जो इस्तानबुल में, और इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले कर रहे श्रुति हसन, जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, और वो रहल सीमा में रह रहे पुलिचरला में वहाँ पे रूल कर रहे भानुमती यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय। वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से, तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं, ये भानुमती कौन है, वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है, ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी, उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालकृष्णन, वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनका स्वैग स्टाइल, वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका एग्रेसिव नेचर, एक्शन सीक्वेंस, जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है, इस बार तो उन्होंने डांस में भी काफी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म में हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है। वो इन सभी चीजों के अलावा इमोशनल सीन्स में भी काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे, तो इस तरह से उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पे परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पे के भानुमति के रोल में उन्होंने काफी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीजें काफी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। उसमें काम उनका काफी शानदार नजर आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता। फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉप अप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफी अच्छा खासा काम किया जा सकता था। इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफी बड़ा बड़ा कर सकते थे। ओवरऑल इस फिल्म में कुछ ऐसी चीजें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीजों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बालकृष्ण ने जिस तरह से चीजों को हैंडल किया हुआ है वो बढ़िया नजर आ रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहां पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है। एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बोधर नहीं करती है, तो बालकृष्णन की ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो, या तो आप बालकृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मजा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर। तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में, यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज किया गया था। जहाँ फिल्म को जब रिलीज किया गया तब पहले दिन काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना, वो सभी चीजें बड़ी बात थी। जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म ने करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, और नंदमुरी बालकृष्णन के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर भी ले आई थी, वारिसु थी और रथुनी वो थी, तो ये टोटल तीन बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने यूएस डॉलर 7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन यूएस से किया हुआ था, तो वहाँ पे भी अच्छा डंका बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था। आईएमडीबी पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगु सभी वर्जन के जो OTT सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए। तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म और स्टार गोल एचडी जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स ही 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे। तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी, विथ इंग्लिश सबटाइटल, विथ सब्सक्रिप्शन,
वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म अगर आप तेलुगू और हिंदी वर्जन में देखना चाहते हो तो सेम नाम के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी विद इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो टेलीविजन चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यरनेनी और वाई रवि शंकर ने, जिन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर के वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट की देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफी लंबी बनाई गई है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में एसएस थमन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर, तो नंदमुरी बालाकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ है। एक तो है पुलिचेरला वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी। तो ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईशा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने भानुवती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है। हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम मरुगो प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिद्धप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। बी एस अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था, प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। पी रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था। ईश्वरी राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है। राम योगी शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में। वहीं पहले ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी, जहां पे वर्किंग टाइटल एनबीके 107 रखा गया था। एनबीके का मतलब है नंदमुरी बालाकृष्णन, 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म है। इस वजह से एनबीके 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालाकृष्णन है। वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिरसिला में, और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम दिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है, जहाँ पे इस फिल्म के गानों को एसएस थमन ने कंपोज किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बाले या मास एंथम करीमुल्ला, तो उस गाने को 26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी, उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। उसको राम मेरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था उसको 24 दिसंबर 2022 को
अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहित्य जगती और जामिनी और येनु गोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास मोगलू करके जो गाना था वो मनो और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था। उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने, उसके सभी के लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले कर रहे बाला कृष्णा, जो अपनी माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी, जो रोल प्ले कर रही हनी रोज जो इस्तानबुल में, और इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले कर रहे श्रुति हसन, जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, और वो रायल सीमा में रह रहे पुलिचरला में वहाँ पे रूल कर रहे हैं भानुमति यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय। वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से, तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं, ये भानुमति कौन है, वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है, ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी शेयर की हुई है। श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी, उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी शेयर की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालाकृष्णन, वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनका स्वैग स्टाइल वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका एग्रेसिव नेचर, एक्शन सीक्वेंस जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है, इस बार तो उन्होंने डांस में भी काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म में एक हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है। वो इन सभी चीज़ों के अलावा इमोशनल सेंस में भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे थे, तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पे एक परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पे के भानुमति के रोल में उन्होंने काफ़ी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीज़ें काफ़ी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, उसमें काम उनका काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफ़ी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज़्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता। फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉपअप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफ़ी अच्छा खासा काम किया जा सकता था। इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफ़ी बड़ा बड़ा कर सकते थे। ओवरऑल इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीज़ों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बालाकृष्ण ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है वो बढ़िया नज़र आ रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहाँ पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है, एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बोधर नहीं करती है, तो बालाकृष्णन की ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो, या तो आप बालाकृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मज़ा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज़ के ऊपर। तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में, यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज़ किया गया था। जहाँ पर फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब पहले दिन काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना, वो सभी चीज़ें बड़ी बात थी। जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म ने करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, और नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की सबसे ज़्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर भी ले आई थी, वारिसू थी,
और तू नहीं वो थी, तो ये टोटल तीन बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने US डॉलर 7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन USA किया हुआ था, तो वहाँ पे भी अच्छा का डंका बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफ़ी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था। IMDb पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितने लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी, उसके ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगु सभी वर्जन के जो OTT सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए। तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म और स्टार गोल एचडी जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स ही 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे। तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म अगर आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में देखना चाहते हो तो सेम नाम के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो टेलीविजन चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ देख सकते हो। तो इस तरह से वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यज्ञनी और वाई रवि शंकर ने, जिन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर के वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट की देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफ़ी लंबी बनाई गई है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में SS थमन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर, तो नंदमुरी बालाकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ है, एक तो है पुलिचेरला वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी। तो ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईसा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने भानुवती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है। हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम अरुगो प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिद्धप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। PS अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था, प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। P रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था। ईश्वरी राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है। राम योगिया शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में। वहीं पहले ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे।
प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी, जहां पे वर्किंग टाइटल NBK 107 रखा गया था। NBK का मतलब है नंदमुरी बालकृष्णन, 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म है। इस वजह से NBK 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालकृष्णन है, वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिरसिला में, और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम दिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है, जहाँ पे इस फिल्म के गानों को एस एस थमन ने कंपोज किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है, ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बालैया मास एंथम करीमुल्ला, तो उस गाने को 26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी, उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। उसको राम मिरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था उसको 24 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहित्य जगती और यामिनी और येणुगोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास मोगड़ू करके जो गाना था वो मनो और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था, उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने, उसके सभी के लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले कर रहे बाला कृष्णा, जो अपने माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी, जो रोल प्ले कर रही हनी रोज जो इस्तानबुल में, और इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले करे श्रुति हसन, जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, और वो रायलसीमा में रह रहे पुलिचरला में वहाँ पे रोल कर रहे हैं। भानुमती यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय, वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से, तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं, ये भानुमती कौन है, वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है, ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी, उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालकृष्णन, वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनका स्वैग स्टाइल वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका एग्रेसिव नेचर, एक्शन सीक्वेंस जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है, इस बार तो उन्होंने डांस में भी काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म में हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है। वो इन सभी चीज़ों के अलावा इमोशनल सीन्स में भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे थे, तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पैक परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पे के भानुमती के रोल में उन्होंने काफ़ी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीज़ें काफ़ी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, उसमें काम उनका काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफ़ी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज़्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता। फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉपअप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफ़ी अच्छा खासा काम किया जा सकता था।
इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफी बड़ा बड़ा कर सकते थे। ओवरऑल इस फिल्म में कुछ ऐसी चीजें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीजों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बाला कृष्ण ने जिस तरह से चीजों को हैंडल किया हुआ है वो बढ़िया नजर आ रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहाँ पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है, एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बोधर नहीं करती है, तो बाला कृष्णन की ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो, या तो आप बाला कृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मजा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर। तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज किया गया था। जहाँ फिल्म को जब रिलीज किया गया तब पहले दिन काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना, वो सभी चीजें बड़ी बात थी। जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म ने करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। और नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर भी ले आई थी, वारिसु थी और रत्थुनी वो थी, तो ये टोटल तीन बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने यूएस डॉलर 7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन यूएस से किया हुआ था, तो वहाँ पे भी अच्छा डंका बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था। आईएमडीबी पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगु सभी वर्जन के जो OTT सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए। तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म और स्टार गोल एचडी जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स ही 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे। तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यरनेनी और वाई रवि शंकर ने, जिन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर के वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट के देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफी लंबी बनाई गई है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में ऐसे थमन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर, तो नंदमुरी बालाकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ है। एक तो है पुलिचेरला वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी। तो ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईशा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारालक्ष्मी शरद कुमार ने भानुवती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है।
हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम अरुगो प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिद्धप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। बी एस अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। पी रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था। ईश्वरी राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है। राम योगी शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में। वहीं पहले ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी जहां पे वर्किंग टाइटल NBK 107 रखा गया था। NBK का मतलब है नंदमुरी बालाकृष्णन। 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म है। इस वजह से NBK 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को स्टार्ट किया गया था जहाँ पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालाकृष्णन है। वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिरसिला में और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था जहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम दिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है जहाँ पे इस फिल्म के गानों को SS थमन ने कंपोज किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बाले या मास एंथम करीमुल्ला। तो उस गाने को 26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। उसको राम मिरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था उसको 24 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहित्य जगती और यामिनी और येनु गोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास मोगड़ू करके जो गाना था वो मनो और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था। उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने उसके सभी के लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले कर रहे बाला कृष्णा जो अपनी माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी जो रोल प्ले कर रही हनी रोज जो इस्तानबुल में और इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले कर रही श्रुति हसन जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में और वो रायल सीमा में रह रहे पुलिचरला में वहाँ पे रोल कर रहे हैं। भानुमति यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से। तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं ये भानुमति कौन है। वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी शेयर की हुई है। श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालाकृष्णन वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा उनका स्वैग स्टाइल वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है। उनके डायलॉग डिलीवरी उनका एग्रेसिव नेचर एक्शन सीक्वेंस जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है इस बार तो उन्होंने डांस में भी काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म में एक
हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है वो इन सभी चीजों के अलावा इमोशनल सीन्स में भी काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पे परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पे के भानुमती के रोल में उन्होंने काफी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीजें काफी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी। उसमें काम उनका काफी शानदार नजर आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता। फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉपअप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफी अच्छा खासा काम किया जा सकता था। इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफी बड़ा बड़ा कर सकते थे। ओवरऑल इस फिल्म में कुछ ऐसी चीजें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीजों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बालकृष्ण ने जिस तरह से चीजों को हैंडल किया हुआ है वो बढ़िया नजर आ रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहां पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है, एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बॉदर नहीं करती है, तो बालकृष्णन की ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो, या तो आप बालकृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मजा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर। तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में, यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज किया गया था। जहाँ पर फिल्म को जब रिलीज किया गया तब पहले दिन काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना, वो सभी चीजें बड़ी बात थी। जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म ने करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, और नंदमुरी बालकृष्णन के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर विलेया थी, वारिसु थी और तुनी वो थी, तो ये टोटल तीन बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने यूएस डॉलर 7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन यूएस से किया हुआ था, तो वहाँ पे भी अच्छा का डंका बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था। IMDb पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगु सभी वर्जन के जो OTT सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए। तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म और स्टार गोल HD जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स ही 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे। तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। वीरा सिम्हा रेड्डी जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। एक संक्रांति रिलीज थी जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धूम मचाई थी। इस फिल्म ने करीबन तीन बड़ी ऐसी फिल्मों के साथ क्लेश किया हुआ था जो बड़े सुपरस्टार की फिल्म थी, उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी कलेक्शन किया हुआ था।
फिल्म का जोनर और फिल्म की ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट की हुई थी। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग, स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यरनेनी और वाई रवि शंकर ने, जिन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर के वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट की देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफी लंबी बनाई गई है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में एसएस थमन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर, तो नंदमुरी बालाकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ है। एक तो है पुलिचेरला विलास वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी। तो ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईशा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारालक्ष्मी शरद कुमार ने भानुवती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है। हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम अरुगो प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिदप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। पी एस अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था, प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। पी रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था। ईश्वरी राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है। राम योगिया शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में। वहीं पहले ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी, जहां पे वर्किंग टाइटल NBK 107 रखा गया था। NBK का मतलब है नंदमुरी बालाकृष्णन, 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म। इस वजह से NBK 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को स्टार्ट किया गया था, जहां पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालाकृष्णन है। वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिरसिला में, और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम दिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है, जहाँ पे इस फिल्म के गानों को एसएस थमन ने कंपोज किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बालैया मास एंथम करीमुल्ला। तो उस गाने को 26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी, उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। उसको राम मिरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था उसको 24 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहित्य जगती और यामिनी और येनु गोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास मोगड़ू करके जो गाना था वो मनो और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था, उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने, उसके सभी के लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय
वेरई सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले कर रहे बाला कृष्णा, जो अपनी माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी जो रोल प्ले कर रही हनी रोज जो इस्तानबुल में, और इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले करे श्रुति हसन, जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, और वो रहल सीमा में रह रहे पुलिचरला में वहाँ पे रूल कर रहे हैं भानुमती यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय। वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से, तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं, ये भानुमती कौन है, वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है, ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी, उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालाकृष्णन, वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनका स्वैग स्टाइल वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका एग्रेसिव नेचर, एक्शन सीक्वेंस पर जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है, इस बार तो उन्होंने डांस में भी काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म में हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है। वो इन सभी चीज़ों के अलावा इमोशनल सेंस में भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे थे, तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पे परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पे के भानुमती के रोल में उन्होंने काफ़ी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीज़ें काफ़ी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, उसमें काम उनका काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफ़ी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज़्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता, फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉप अप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफ़ी अच्छा खासा काम किया जा सकता था। इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफ़ी बड़ा बड़ा कर सकते थे। ओवरऑल इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीज़ों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बाला कृष्ण ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है वो बढ़िया नज़र आ रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहाँ पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है, एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बोधर नहीं करती है, तो बालाकृष्णन की ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो, या तो आप बालाकृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो, तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मज़ा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर। तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में, यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज किया गया था। जहाँ पर फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तब पहले दिन काफ़ी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज़्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना, वो सभी चीज़ें बड़ी बात थी। जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म ने करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, और नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की सबसे ज़्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर भी ले आया थी, वारिसु थी और रत्थुनी वो थी, तो ये टोटल 3 बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने $7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन यूएस से किया हुआ था, तो वहाँ पर भी अच्छा डंका बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफ़ी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है।
और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पांस मिला था। आईएमडीबी पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगु सभी वर्जन के जो ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए। तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म और स्टार गोल एचडी जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स ही 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे। तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म अगर आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में देखना चाहते हो तो सेम नाम के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो टेलीविजन चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वहां पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ देख सकते हो। तो इस तरह से वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। वीरा सिम्हा रेड्डी जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। एक संक्रांति रिलीज थी जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धूम मचाई थी। इस फिल्म ने करीबन 3 बड़ी ऐसी फिल्मों के साथ क्लेश किया हुआ था जो बड़े सुपरस्टार की फिल्म थी, उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म का जोनर और फिल्म की ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट की हुई थी। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यरनेनी और वाई रविशंकर ने, जिन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट की देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफी लंबी बनाई गई है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में थमन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर, तो नंदमुरी बालाकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ है। एक तो है पुलिचेरला वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी। तो ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईशा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने भानुवती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है। हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम अरुगो प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिद्धप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। बी एस अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था, प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। पी रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था। ईश्वरी राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है। राम योगी शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में। वहीं पहली ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे।
प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी, जहां पे वर्किंग टाइटल NBK 107 रखा गया था। NBK का मतलब है नंदमुरी बालाकृष्णन, 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म है। इस वजह से NBK 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालाकृष्णन है। वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले हैं। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म की प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिरसिला में, और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम दिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है, जहाँ पे इस फिल्म के गानों को एस एस थमन ने कंपोज किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बाले या मास एंथम करीमुल्ला, तो उस गाने को 26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी, उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। उसको राम मिरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था उसको 24 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहित्य जगती और यामिनी और येनु गोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास मोगड़ू करके जो गाना था वो मनो और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था। उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने, उसके सभी के लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले कर रहे बाला कृष्णा, जो अपनी माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी, जो रोल प्ले कर रही हनी रोज जो इस्तानबुल में, और इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले करे श्रुति हसन, जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, और वो रायल सीमा में रह रहे पुलिचरला में वहाँ पे रोल कर रहे हैं भानुमती यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय। वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से, तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं, ये भानुमती कौन है, वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है, ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी, उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालाकृष्णन, वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनका स्वैग स्टाइल वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका एग्रेसिव नेचर, एक्शन सीक्वेंस जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है, इस बार तो उन्होंने डांस में भी काफ़ी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म में हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है। वो इन सभी चीज़ों के अलावा इमोशनल सीन्स में भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे थे, तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पैक परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पे किए भानुमती के रोल में उन्होंने काफ़ी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीज़ें काफ़ी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, उसमें काम उनका काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफ़ी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज़्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता। फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉप अप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफ़ी अच्छा खासा काम किया जा सकता था। इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफ़ी बड़ा
कुछ ऐसी चीजें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीजों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बाला कृष्ण ने जिस तरह से चीजों को हैंडल किया हुआ है वो बढ़िया नजर आ रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहाँ पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है। एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बॉदर नहीं करती है, तो बाला कृष्णन की ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो, या तो आप बाला कृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मजा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर। तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज किया गया था। जहाँ पर फिल्म को जब रिलीज किया गया तब पहले दिन काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना, वो सभी चीजें बड़ी बात थी। जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म ने करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। और नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर भी ले आई थी, वारिसु थी और थुनी वो थी, तो ये टोटल तीन बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने यूएस डॉलर 7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन यूएस से किया हुआ था, तो वहाँ पे भी अच्छा डंका बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था। आईएमडीबी पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगु सभी वर्जन के जो OTT सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए। तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म और स्टार गो लेकरी जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार माँ के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स ही 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे। तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म अगर आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में देखना चाहते हो तो सेम नाम के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो टेलीविजन चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ देख सकते हो। तो इस तरह से वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। वीरा सिम्हा रेड्डी जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। एक संक्रांति रिलीज थी जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धूम मचाई थी। इस फिल्म ने करीबन तीन बड़ी ऐसी फिल्मों के साथ क्लेस किया हुआ था जो बड़े सुपरस्टार की फिल्म थी, उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म का जोनर और फिल्म की ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट की हुई थी। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है। जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यज्ञनेनी और वाई रविशंकर ने, जिन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट की देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफी लंबी बनाई गई है। वहीं पे
म्यूजिक डिपार्टमेंट में एसएस थमन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर, तो नंदमुरी बालकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ। एक तो है पुली चेरला विलास वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी। तो ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईशा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारा लक्ष में शरद कुमार ने भानुमती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है। हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम को प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिद्धप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। बी एस अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था, प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। पी रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था। ईश्वरी राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है। राम योगी शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में। वहीं पहली ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी, जहां पे वर्किंग टाइटल NBK 107 रखा गया था। NBK का मतलब है नंदमुरी बालकृष्णन, 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म। इस वजह से NBK 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को स्टार्ट किया गया था, जहां पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालकृष्णन है। वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिलसिला में, और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम दिया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है, जहाँ पे इस फिल्म के गानों को एसएस थमन ने कंपोज किया हुआ है। बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है, ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बालैया मास एंथम करीमुल्ला, तो उस गाने को 26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी, उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। उसको राम मिरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था उसको 24 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहित्य जगती और यामिनी और वेणुगोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास मोगड़ू करके जो गाना था वो मनो और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था, उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने, उसके सभी के लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले करे बाला कृष्णा, जो अपने माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी, जो रोल प्ले कर रही हनी रोज जो इस्तानबुल में, और इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले करे श्रुति हसन, जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, और वो रायल सीमा में रह रहे पुली चरला में वहाँ पे रोल कर रहे हैं भानुमती यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय। वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से, तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं, ये भानुमती कौन है, वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है,
ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी से हिट की हुई है श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी, उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है, वही सब चीजों में फिल्म की कहानी से हिट की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालकृष्णन, वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनका स्वैग स्टाइल वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका एग्रेसिव नेचर, एक्शन सीक्वेंस जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है, इस बार तो उन्होंने डांस में भी काफी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म में हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है। वो इन सभी चीजों के अलावा इमोशनल सीन्स में भी काफी बेहतरीन नजर आ रहे थे, तो इस तरह से उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पैक परफॉर्मेंस दी हुई है जो फिल्म को काफी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पे के लिए भानुमति के रोल में उन्होंने काफी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीजें काफी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, उसमें काम उनका काफी शानदार नजर आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रेडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता। फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉप अप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफी अच्छा खासा काम किया जा सकता था। इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफी बड़ा कर सकते थे। ओवरऑल इस फिल्म में कुछ ऐसी चीजें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीजों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बालकृष्ण ने जिस तरह से चीजों को हैंडल किया हुआ है वो बढ़िया नजर आ रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है, म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहाँ पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है, एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बोधर नहीं करती है, तो बालकृष्णन की ये फिल्म आप जरूर देख सकते हो, या तो आप बालकृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो, तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मजा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर। तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज किया गया था। जहाँ फिल्म को जब रिलीज किया गया तब पहले दिन काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना, वो सभी चीजें बड़ी बात थी। जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म ने करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था, और नंदमुरी बालकृष्णन के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर भी लिया थी, वारिसु थी और रत्थुनी वो थी, तो ये टोटल तीन बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने यूएस डॉलर 7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन यूएस से किया हुआ था, तो वहाँ पे भी अच्छा डंका बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है, और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था। आईएमडीबी पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से ओटीटी सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी उसके ऊपर बातचीत करें, तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगु सभी वर्जन के जो ओटीटी सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए, तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ओटीटी प्लेटफॉर्म और स्टार गोल एचडी जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार मा के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे।
तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी विद इंग्लिश सबटाइटल विद सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म अगर आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में देखना चाहते हो तो सेम नाम के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो टेलीविजन चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड एचडी के ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वहां पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ देख सकते हो। तो इस तरह से वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। वीरा सिम्हा रेड्डी जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है। एक संक्रांति रिलीज थी जिसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी धूम मचाई थी। इस फिल्म ने करीबन तीन बड़ी ऐसी फिल्मों के साथ क्लेश किया हुआ था जो बड़े सुपरस्टार की फिल्म थी, उसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे काफी कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म का जोनर और फिल्म की ऑडियंस काफी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को सपोर्ट की हुई थी। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है गोपीचंद मालिनेनी ने। इससे पहले उन्होंने क्रेक नाम की एक मास एक्शन एंटरटेनर फिल्म बनाई थी, उसके बाद में उन्होंने ये फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म के साथ काम किया हुआ है, जहाँ पे इस फिल्म की स्टोरी आइडिया से लेकर डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन सभी चीजें उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है नवीन यज्ञनेनी और वाई रवि शंकर ने, जिन्होंने इस फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 100 करोड़ के ऊपर के बजट के साथ बनाया हुआ था। ये नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट बजट और हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक फिल्म थी। जहाँ पे इस फिल्म की टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी ऋषि पंजाबी ने की हुई है, एडिटिंग नवीन नुल्ली ने की हुई है। जहाँ पे इस फिल्म को 172 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 52 मिनट की देखने को मिलेगी, तो ये फिल्म काफी लंबी बनाई गई है। वहीं पे म्यूजिक डिपार्टमेंट में एसएस थमन ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए हैं। मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा इस फिल्म का तेलुगु वर्जन डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया था। अब हम बात करें इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर, तो नंदमुरी बालाकृष्णन ने इस फिल्म में डबल रोल प्ले किया हुआ है। एक तो है पुली चेरला वीरा सिम्हा रेड्डी, दूसरा है जय सिम्हा रेड्डी। तो ये एक काइंड ऑफ बाप बेटे की जोड़ी दिखाई गई है। श्रुति हसन आपको इस फिल्म में ईशा के रोल में देखने को मिलेगी। वहीं पे वारा लक्ष्मी शरद कुमार ने भानुवती प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है, जो प्रताप रेड्डी की वाइफ है और वीरा सिम्हा रेड्डी की हाफ सिस्टर है। हनी सिंह इस फिल्म में मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। हनी रोज आपको मीनाक्षी के रोल में देखने को मिलेगी। दुनिया विजय ने मुस्लिम अरुगो प्रताप रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। लाल आपको सिद्धप्पा के रोल में देखने को मिलेंगे। बी एस अविनाश ने इस फिल्म में गंगी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था, प्रताप रेड्डी का वो फादर था। नवीन चंद्रा को इस फिल्म में शेखर रेड्डी का रोल दिया गया था। पी रविशंकर ने कृष्णा रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ है। अजय घोष ने इस फिल्म में पेड्डी रेड्डी का रोल प्ले किया हुआ था। मुरली शर्मा को जयाराम का रोल दिया गया था। वहीं पे सचिन खेड़ेकर ने इस फिल्म में राजगोपाल का रोल प्ले किया हुआ था। सप्तगिरी ने इस फिल्म में जेल असिस्टेंट का रोल प्ले किया हुआ था। राजीव कनकाला ने इस फिल्म में सूरी एक विलेजर का रोल प्ले किया हुआ था। जॉन कोकेन ने इस फिल्म में प्रताप रेड्डी की कजिन का रोल प्ले किया हुआ है। अन्नपूर्णा ने इस फिल्म में वीरा सिम्हा रेड्डी की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ था। ईश्वरी राव ने सिद्धप्पा की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। अर्चना आनंद ने इस फिल्म में ईसा की माँ का रोल प्ले किया हुआ है। अरुणा भिक्षु ने इस फिल्म में ईसा की ग्रैंड मदर का रोल प्ले किया हुआ है। चंद्रिका रवि ने एक आइटम नंबर प्ले किया हुआ है, जहाँ पे वो माँ बाबा मनोभाव लोवाल का वाला जो गाना है उसमें अपना काम दिखाया हुआ है। रामजोगी शास्त्री ने एक कैमियो अपीयरेंस दिया हुआ है। ब्रह्मानंदम आपको जज के रोल में देखने को मिलेंगे एक म्यूजिक शो में। वहीं पहले ने एक जज का रोल प्ले किया हुआ है वही म्यूजिक शो में। तो ये फिल्म के प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैत्री मूवी मेकर्स के द्वारा जून 2021 में दी गई थी, जहाँ पे वर्किंग टाइटल NBK 107 रखा गया था। NBK का मतलब है नंदमुरी बालाकृष्णन, 107 यानी कि उनकी 107वीं फिल्म है। इस वजह से NBK 107 वर्किंग टाइटल के साथ फिल्म को स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे बताया गया था कि लीड कास्ट में नंदमुरी बालाकृष्णन है। वहीं पे इस फिल्म को गोपीचंद मालिनेनी डायरेक्ट करने वाले। इस फिल्म का एक फॉर्मल लॉन्च था पूजा सेरेमनी के साथ 13 नवंबर 2021 को रखा हुआ था। वहीं पे इस फिल्म को 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में शूटिंग के लिए ले जाया गया था। फिल्म के प्रिंसिपल फोटोग्राफी है वो 18 फरवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी सिरसिला में, और उसके बाद में दिसंबर 2022 तक एंड करवाई गई थी। अक्टूबर 2022 को इस फिल्म का ऑफिशियल टाइटल लॉन्च किया गया था, जहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम दिया हुआ था।
म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सोनी म्यूजिक इंडिया के पास इस फिल्म के तेलुगु वर्जन और हिंदी वर्जन के म्यूजिक के राइट्स है, जहाँ पे इस फिल्म के गानों को एसएस थमन ने कंपोज किया हुआ है, बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने ही कंपोज किया हुआ था। इस फिल्म में टोटल 4 गाने हैं, जहाँ पे इनको 2022 में रिकॉर्ड किया गया था। 15 मिनट 16 सेकंड का ये साउंड ट्रैक है। और इस फिल्म का जो पहला गाना है, ट्रैक लिस्टिंग के ऊपर बताए तो पहला गाना है जय बाले या मास एंथम करीमुल्ला, तो उस गाने को 26 नवंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। सेकंड सिंगल यानी कि सुगुना सुंदरी, उसको 15 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था। उसको राम मेरियाला और निगंदा शर्मा ने गाया हुआ था। माँ बाबा मनोभाव लुकर के जो गाना था, उसको 24 दिसंबर 2022 को अवेलेबल किया गया था सोनी म्यूजिक साउथ के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साहित्य जगती और जामिनी और येनु गोपाल ने गाया हुआ था। वहीं पे मास समोगड़ू करके जो गाना था, वो मनो और रम्या बेहरा ने गाया हुआ था। उसको 9 जनवरी 2023 को अवेलेबल किया गया था। तो ये टोटल 4 गाने, उसके सभी के लिरिक्स राम जोगिया शास्त्री ने लिखे हुए हैं। ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने हैं बिल्कुल फ्री में, तो वो सोनी म्यूजिक साउथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर सुन सकते हो। अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर। जय सिम्हा रेड्डी जो रोल प्ले कर रहे बाला कृष्णा, जो अपने माँ के साथ रह रहे मीनाक्षी, जो रोल प्ले कर रही है हनी रोज जो इस्तानबुल में, और इस फिल्म में ईसा नाम का एक किरदार दिखाया गया है जो रोल प्ले कर रही है श्रुति हसन, जो एक किसी के एक के प्यार में पड़ जाती है तो उससे शादी करना चाहती है। मीनाक्षी जया को उसके फादर की आइडेंटिटी रिवील करते हैं वीरा सिम्हा रेड्डी के बारे में, और वो रायलसीमा में रह रहे पुलिचरला में वहाँ पे रूल कर रहे हैं भानुमति यानी कि वारा लक्ष्मी और प्रताप रेड्डी यानी कि दुनिया विजय। वो दोनों वीरा सिम्हा रेड्डी को मारना चाहते पिछले 30 सालों से, तो वो वीरा को क्यों मारना चाहते हैं, ये भानुमति कौन है, वीरा सिम्हा रेड्डी अपने पति पत्नी और बच्चे को छोड़कर अलग क्यों रह रहा है, ये सभी सवालों में फिल्म की कहानी शेयर की हुई है। श्रुति हसन क्या शादी कर पाएगी, उनका इस फिल्म में क्या डेवलपमेंट है, वही सब चीज़ों में फिल्म की कहानी सेट की हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है नंदमुरी बालाकृष्णन, वही इस फिल्म को अकेले अपने कंधे पे चलाते हुए नजर आते हैं। उनका करिश्मा, उनका स्वेग स्टाइल, वही फिल्म का बिगेस्ट एसेट है। उनके डायलॉग डिलीवरी, उनका एग्रेसिव नेचर, एक्शन सीक्वेंस जिस तरह से उन्होंने पावरफुल काम दिखाया हुआ है, इस बात उन्होंने डांस में भी काफी बढ़िया काम करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा वो गॉड ऑफ मासेस क्यों माने जाते हैं, उसके ऊपर उन्होंने परफेक्ट वे में इस फिल्म में हमारे सामने परफॉर्मेंस दी हुई है। वो इन सभी चीज़ों के अलावा इमोशनल सीन्स में भी काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहे थे, तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से एक फुल पावर पैक परफॉर्मेंस दी हुई है, जो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाती है। वारा लक्ष्मी ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी हुई है, वो एक फिल्म के सरप्राइज पैकेज भानुमति के रोल में उन्होंने काफ़ी बढ़िया रोल प्ले किया हुआ है। जिस तरह से उनका किरदार डिजाइन किया गया था, जिस तरह से उनके फेस ऑफ के सीन तैयार किए गए थे बलाया के साथ, तो वो सभी चीज़ें काफ़ी टेरिफिक मैनर में डायरेक्टर ने दिखाई हुई थी, उसमें काम उनका काफ़ी शानदार नज़र आ रहा था। इसके अलावा अलग अलग एक्टर्स जिन्होंने सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ, जैसे कि प्रताप रेड्डी के रोल में दुनिया विजय थे, हनी रोज ने वाइफ का रोल प्ले किया हुआ था। इसके अलावा और भी सपोर्टिंग आर्टिस्ट थे जिन्होंने बखूबी अपने किरदार में काम किया हुआ था। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले भी काफ़ी बढ़िया था, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा था, एक्शन सीक्वेंस काफ़ी बढ़िया थे। हाँ, फिल्म की कहानी थोड़ी ज़्यादा खींच दी गई थी, फिल्म को थोड़ा लंबा कर दिया गया था, क्योंकि फिल्म की जो कहानी है वही रूटीन प्रिडिक्टेबल थी, उसको थोड़ा क्रिस्प रखते तो और बेहतर रहता। फ्लैशबैक पोर्शन को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था, सेकंड हाफ को और बेहतर वे में चॉप अप किया जा सकता था, एडिटिंग में काफ़ी अच्छा खासा काम किया जा सकता था। इसके अलावा श्रुति हसन को इस फिल्म में लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस मिला हुआ था, उनका रोल काफ़ी बड़ा बड़ा कर सकते थे। ओवरऑल इस फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको हटाई जा सकती थी, कुछ चीज़ों को बेटर किया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल बालाकृष्णन ने जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया हुआ है वो बढ़िया नज़र आ रहा था। इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के साथ डिसेंट काम किया हुआ है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स अच्छे थे, वहाँ पे भी अच्छा काम देखने को मिलता है, एडिटिंग बेहतर हो सकती थी, साथ ही में सिनेमेटोग्राफी का काम भी आपको इस फिल्म में काफ़ी शानदार देखने को मिलेगा। ओवरऑल वीरा सिम्हा रेड्डी एक डिसेंट एक्शन एंटरटेनर फिल्म है। अगर आपको कमर्शियल फिल्में पसंद है जहाँ पे रूटीन स्टोरी लाइन आपको उतना कुछ बोधर नहीं करती है, तो बालाकृष्णन की ये फिल्म आप ज़रूर देख सकते हो, या तो आप बालाकृष्णन के बहुत बड़े फैन हो तो इस फिल्म को आप आसानी से एंटरटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल इस तरह से आपको इस फिल्म को देखने का मज़ा मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म के रिलीज के ऊपर।
तो इस फिल्म को 110 करोड़ के बजट के साथ में यूएस सर्टिफिकेट के साथ में 12 जनवरी 2023 को तेलुगु बॉक्स ऑफिस के ऊपर रिलीज किया गया था। जहाँ पे फिल्म को जब रिलीज किया गया तब पहले दिन काफी ताबड़तोड़ कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। पहले दिन इस फिल्म ने करीबन 54 करोड़ से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड करके दिखाया। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की फिल्म को इतना कलेक्शन होना, वो सभी चीजें बड़ी बात थी। जहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना से ही इस फिल्म ने करीबन 36 करोड़ 20 लाख का ग्रॉस कलेक्शन करके दिखाया हुआ था। और नंदमुरी बालाकृष्णन के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग लेने वाली ये फिल्म साबित हुई थी। इसके साथ में वैसे तो वोल्टर भी ले आई थी, वारिसु थी और रत्तुनी वो थी, तो ये टोटल तीन बड़े स्टार की फिल्म थी। उसके बावजूद फिल्म ने जिस तरह से संक्रांति के मौके के ऊपर अपना धमाका मचाया, उसके ऊपर एक अच्छा खासा ट्रेडमार्क लिया हुआ था। इस फिल्म ने $7,47,000 का कलेक्शन पहले दिन यूएस से किया हुआ था, तो वहाँ पे भी अच्छा का डंका बजाया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म ने काफी डिसेंट वे में कलेक्शन करके दिखाया, जहाँ पे करीबन 130 करोड़ तक का इस फिल्म ने ग्रॉस कलेक्शन किया हुआ है। और ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा हिट का टैग लिया था, जहाँ पे क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स काइंड ऑफ रिस्पॉन्स मिला था। आईएमडी पे करीबन 4700 वोट मिले हुए थे, जिसमें 5.9 की रेटिंग हासिल हुई थी 10 में से। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे किसी ने तहलका मचाया हुआ था। अब ये फिल्म कौन से OTT सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगी, उसके ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के हिंदी तेलुगु सभी वर्जन के जो OTT सैटेलाइट राइट्स है वो स्टार नेटवर्क वालों ने ही खरीदे हुए। तो आपको ये फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार OTT प्लेटफॉर्म और स्टार गो लेकरी जैसे टेलीविजन चैनल के ऊपर हिंदी में देखने को मिलेगी, तेलुगु वर्जन में स्टार माँ के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से स्टार के नेटवर्क के ऊपर ये फिल्म सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिलेगी, जहाँ पे इस फिल्म के सिर्फ तेलुगु वर्जन के राइट्स ही 14 करोड़ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को बेचे गए थे। तो अब ये फिल्म आपको अगर देखनी है तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर तेलुगु प्लस हिंदी ये दोनों वर्जन में देखने को मिलेगी, विथ इंग्लिश सबटाइटल विथ सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ हिंदी वर्जन में देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म अगर आप तेलुगु और हिंदी वर्जन में देखना चाहते हो तो सेम नाम के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सबटाइटल सब्सक्रिप्शन। वहीं पे इस फिल्म का जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो टेलीविजन चैनल स्टार गोल्ड और स्टार गोल्ड HD के ऊपर देखने को मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, वहाँ पे वीरा सिम्हा रेड्डी नाम के साथ देख सकते हो। तो इस तरह से वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, वीरा सिम्हा रेड्डी फिल्म के रिगार्डिंग जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी। फिल्म कैसे कहाँ पे आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दी हुई है। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस, कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके दी हुई है। स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस इसके बारे में बातचीत की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी दे दी है। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।